नमस्ते नमस्कार प्रणाम, हम यंत्रा सिंह प्रियंका, अभी सब देख रहा बानी धून म्यूजिक यूट्यूब चैनल। तो ये चैनल के सब लाइक कमेंट और लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करी, धन्यवाद। हम अमित प्रेम यादव रवो सबके गोल छू के गोल लगाता नहीं। बहुत बहुत स्वागत बा अमित प्रेम यादव हमारे धुन म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आप रहने वाले कहाँ के? हम औरंगाबाद जिला के रहने वाले हैं। अच्छा, अभी औरंगाबाद के क्या कर रहे हैं, अभी फिलहाल क्या करते हैं आप? अभी पढ़ते हैं IIC में। अच्छा, और वहाँ सीखते भी हैं, म्यूजिक सीखते हैं, मतलब पढ़ाई के साथ संगीत भी चल रहा है। अच्छा, दोनों में से ज्यादा किस में रुचि है आपका, किस में सबसे ज्यादा मन लगता है? हमको सिंगर बनना है। अब पढ़ाई भी करते हैं, इसको भी मेहनत करते हैं दोनों। नहीं, पढ़ाई तो जरूरी है, इंसान को काबिलियत अपने पाने के लिए पढ़ाई शिक्षा जरूरी है, लेकिन संगीत एक है कि आपका आपके अंदर कलाकारी है, तो आप संगीत सीख रहे हैं। कितने दिन से संगीत सीख रहे हैं? हो गया 4 साल। अच्छा, 4 साल से म्यूजिक सीख रहे हैं, औरंगाबाद में ही सीख रहे हैं। अच्छा, तो गाना निकालने का मन अभी से हुआ या फिर कब से मन में आया गाना निकालने का? बहुत पहले, 6 साल 7 साल पहले से। अच्छा, तो इससे पहले आपने गाना गाया है? हाँ, गाना गाए थे तो कहाँ पे? आदिशक्ति फिल्म। अच्छा तो वहाँ से फिर नहीं रिस्पॉन्ड मिला, तो फिर हम यहाँ पे आए आपका स्टूडियो में। अच्छा और कहीं गाए? तो नहीं अभी जी, तक कितने गाना गाए? अभी तो एक ठो गाए हैं बस। एक ही गाना गाए? कौन सा गाना गाए थे? वो है चोलिए में रखे मोबाइल, तो उतना रिस्पॉन्ड नहीं सब, मतलब अच्छा उस तरह से नहीं गा पाए, और स्टूडियो में उस तरह से भी नहीं गावा गया, इसलिए हम उतना अच्छा नहीं गा पाए, तो लोगों का प्यार व्यार नहीं मिला, आशीर्वाद नहीं मिला। अच्छा, हो सकता है कि आप फर्स्ट बार गाए होंगे, डरे हाँ, होंगे। फर्स्ट बार मतलब नहीं पता चला कि मतलब किस तरह गाएं तो किस तरह क्या होगा। अच्छा, अमित प्रेमी जी आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब आपने अभी तक ये गाना गाया है, फिर आगे का क्या प्लान है? आगे प्लान है कि आपको देख के यहाँ पे आए स्टूडियो में, कि अच्छा से गवाते हैं, अच्छा से लोग को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम आपके पास आए। अच्छा, भोजपुरी में आप किसके फैन हैं, किसको आदर्श मानते हैं आप? हम तो सबको मानते हैं, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, प्रमोद प्रेमी, सबका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत गाना सुनता हूँ सबके। अच्छा, नहीं, हर किसी का एक इंसान का एक होता है कि हमारा फेवरेट है किसी को, आज कोई कितना भी मुकाम पाले, लेकिन एक होता है ना, वो किसी न किसी को एक आदर्श मानता है, गुरु मानता है, किसी को सुनता है और उसको सुन सुन के सीखता है। वैसे आपके वैसे कौन फेवरेट तो सिंगर? हम थोड़ा मोड़ा जो सीखे हैं वो रितेश पांडे गाना है, मतलब उनका गाना है जो हम पकड़ते हैं कि किस तरह गा रहे हैं अच्छा उनका गाना, मतलब बहुत हमको अच्छा लगता है, हर गाना उनका उनका सुनते हैं, रितेश पांडे जी का गाना, मतलब कि जो मैं कुछ आज तक गाता हूँ उन्हीं के चलते, मतलब गाता हूँ उन्हीं के गाना सुन के गाता हूँ। अच्छा कोई कोई गीत है जो आप रितेश पांडे जी का गुनगुनाते हो हमेशा? कोई गीत आपको याद है, एक लाइन दो लाइन कोई भी गीत? हाँ याद है, मैं चाहूंगा कि आप वो दो गीत, वो एक गीत सुनाइए थोड़ा। केहू कहे तो देखा दी सीना फार के, दाग गाढ़ा मिलल बाटे प्यार के, हो केहू कहे तो देखा दी सीना फार के, दाग गाढ़ा मिलल बाटे प्यार के, उ तो दोसरा के डोली में सवार हो गए तीर, हमारा कर जावा के पार हो गए तीर, हमारा कर जावा के पार हो गए। क्या बात है अमित जी, आपके फैमिली वाले आपको कितना सपोर्ट करते हैं? फैमिली वाला सपोर्ट करते हैं, मतलब घर वाले सपोर्ट करते हैं? हाँ कहते हैं कि गाओ, अब जो तुमको करना है, मतलब कि अब गाने के लिए इच्छा है तो अब लोग क्या करेंगे, मतलब सपोर्ट करते हैं कि लड़का करना चाह रहा है तो सपोर्ट करते हैं, मतलब घर वाले के मर्जी से आप गाना गाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आपके पेरेंट्स समझते हैं। बहुत लोगों के साथ होता है जो घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं और बेचारे हो लुक छुप के गीत गाते हैं। अभी भी समाज में ऐसा है कि गाने बजाने वालों को लोग ज़्यादा मतलब वैल्यू इज्जत नहीं करते हैं, ऐसा आपका क्या राय है? ऐसा आपके साथ ऐसा आपके गाँव में ऐसा होता है? नहीं ऐसे तो हम घर वाले भी कहते हैं, और मुझे भी बहुत इच्छा इसी में है कि हम सिंगर एक सिंगर अच्छा बने। अच्छा, नहीं मतलब आपके आसपास टोला मोहल्ला गांव में एक गांव जवार होता है, उसमें ऐसा प्रतिक्रिया मिलता है लोगों के साथ कि यार यार ये गाना गाता है या अच्छा आदमी नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है? ऐसा तो हमने सुने हैं तक। अच्छा, सब बोलता है कि ये गाना तुम गाया बाकी नहीं गा रहा है, क्या हुआ, तो हम बोलते हैं कि अभी गाना भी लेट से आएगा, अभी गाना लिखाएगा तब ना, मेहनत कर रहे हैं अभी।
मतलब समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, लोग का थिंकिंग बदल रहा है, क्योंकि पहले आज पहले होता था, काफी लोगों ने बताया कि हमें हेय दृष्टि से देखा जाता है, गाने बजाने वाले लोग को लोग उतना बड़ मतलब एक नहीं लोग मानते हैं, एक दर्जा नहीं देता है, लेकिन जो हिट हो जाते हैं उनको तो लोग मानते हैं। चलिए अच्छी बात है कि आपने बताया कि आपके साथ ऐसा नहीं होता है, आपके आपके आसपास मोहल्ले के लोग वैसे नहीं है, और हम जितने भी लोग देख रहे होंगे सबसे दरख्वास्त करना चाहेंगे कि कलाकार को सपोर्ट करना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जाते जाते आप कोई गीत अपना फेवरेट जो आप हमेशा गाते हैं, कोई एक दो लाइन गीत जो आपको अच्छा लगता हो, हमेशा गाते होंगे किसी का भी गाना। रितेश पांडे का गाना एक तो है बहुत मतलब पर साल रिलीज हुआ है, हाँ हो हाँ गया बहुत, उसको हम सुने, उसके गाना सुनाते हैं। शादी खातिर तोरा दूल्हा खो जाई गईल, दिन बारी का तो सब धराई गईल, शादी खातिर तोरा दूल्हा खो जाई गईल, दिन बारी का तो सब धराई गईल, सुननी ह 30 जनवरी के, जान हो जाइबू कोई औरी के, सुननी ह 30 जनवरी के, जान हो जाइबू कोई औरी के। चलिए बहुत अच्छा लगा अमित प्रेमी जी आपसे बात करके। अच्छा आपसे लास्ट आप ये जानना चाहेंगे, आपको धुन म्यूजिक स्टूडियो में आकर कैसा लगा, कैसा लगा आपको? जिसके बहुत अच्छा लगा, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, जैसे आप हमको यहाँ पे अथी किए, सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे जो आप लिए म्यूजिक बनाने के लिए गाना मतलब गवाए, ऐसा तो कोई स्टूडियो में हम गए थे तो ऐसा नहीं हुआ था, मतलब अकबर में भीड़ रहता है तो सब भगा देता है कि जाओ जैसे जैसे करके, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा लगा आके। हो सकता है अभी ये इंटरव्यू बहुत लोग देख रहे होंगे जिसमें सिंगर भी होंगे, नए सिंगर को आप क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे कि मतलब कि आइए और गाइए धुन म्यूजिक में, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित प्रेमी जी, आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमसे कुछ बात किया और दर्शकों को कुछ जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।